आगर बड़ौद विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विधायक विपिन वानखेड़े के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सोमवार 13 नवंबर दोपहर में राम तनोलिया में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। आगर बड़ौद विधानसभा क्षेत्र में नामांकन दाखिल होने के बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह पहली जनसभा हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह देवास से हेलीकॉप्टर द्वारा आगर मालवा पहुंचे, यहां से फिर सड़क मार्ग से तनोलिया लगभग 1 बजे पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह तय समय से लगभग 1.5 घंटा देरी से सभा स्थल पर पहुंचे। नई आबादी पुलिस चौकी हनुमान मंदिर के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। उन्होंने भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को भाजपा ने कर्ज में डुबा दिया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर पंचायती राज वापस लाने का भी बोला गया। उनके द्वारा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया जा रहा है। आगर मालवा के सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, आज पूरे प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है, भाजपा को हराना चाहती है। मैं जो बात कह रहा हूं आप उससे सहमत हैं कि नहीं हैं?